तो चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर कहा कि सावन के महीने में पहले सोमवार के दिन बाबा महाकाल अपने पहले नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। देश और दुनिया से श्रद्धालु उनके दर्शन करने आते हैं। बाबा महाकाल की प्रथम सवारी पर मैं आप सभी को बधाई देता हूं। हमने ऐसे प्रबंध किए हैं कि बाबा महाकाल की सवारी में और चार चांद लग जाएंगे और श्रद्धालुओं को आनंद आएगा। मैं अपनी ओर से बाबा महाकाल के भक्तों को प्रणाम करता हूं। कल सावन का महीना और सोमवार का दिन बाबा महाकाल अपने धाम से नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। माँ क्षिप्रा के किनारे से लेकर के धूमधाम से पूरे नगर में जब सवारी निकलती है तो वो सवारी का उत्साह उमंग देखते बनता है। देश तो क्या दुनिया से लोग इस सवारी का दर्शन करने के लिए अपनी मन की मनोकामना लिए नगर में भी आते हैं। जो जहाँ से हो इलेक्ट्रॉनिक संसाधन के माध्यम से बाबा को नमन करते हैं। भक्ति भावना का ये उत्साह उमंग का एक सागर उमड़ता है। ऐसे में बाबा महाकाल की प्रथम सवारी पे मैं आप सबको बाबा की ओर से खासकर हमने प्रबंध किए हैं कि बाबा की सवारी की जो व्यवस्था की जाए उसमें और चार चांद लगे आनंद आए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे आदिवासी अंचल के भाई बहनों ने कहा है कि क्रमशः जिले से हम भी शामिल होंगे। इस वर्ष हमारे धार झाबुआ तरक्की दल ने इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। क्रमशः ये और क्रम बढ़ता जाएगा। मैं अपनी ओर से सभी मित्रों को बाबा के श्रद्धालुओं को भावना व्यक्त करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और बाबा कृपा हम सब पे करे। मध्यप्रदेश शासन के मंत्रीगण भी उसमें शामिल होंगे। आज हमारे मंत्री श्रीमान तुलसी सिलावट जी मेरी अपनी ओर से माँ प्रतिनिधि के नाते शामिल हुए हैं। मेरी अपनी आप सबसे विनम्र निवेदन है कि बाबा की सवारी का पूरा गरिमा के साथ उत्साह उमंग के साथ स्वागत भी करें और हम सब उसमें भागीदार बने। उज्जैन के भगवान महाकाल मन महेश के रूप में अपने भक्तों का हालचाल जानने के लिए नगर भ्रमण करने निकले। 4 बजे ही सभा मंडपम के पूजन के बाद बाबा चांदी की रथ पालकी में सवार होकर मंदिर से बाहर निकले। वैसे ही पुलिस बैंड द्वारा सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद चांदी की पालकी में मन महेश के रूप में विराजमान भगवान महाकाल क्षिप्रा नदी की ओर रवाना हुए, जहाँ रामघाट पर माँ क्षिप्रा के जल से पालकी का पूजन हुआ। इसके बाद भ्रमण करते हुए गोपाल मंदिर पालकी महाकाल मंदिर पहुंची। और बता दें कि सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान अलग अलग स्वरूपों में अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं।